अरे आप? हाँ मैं। तुमने कहा था ना यहाँ आने के लिए मैं आ गया। मुझे पता था सीता दीदी आपको मना नहीं करेगी। लो आया मैं और एहसान सीता दीदी का। कम आओ। एहसान तो मैं आपके भी मानती हूँ। आज मुझे लगा कि आपकी नाराजगी दूर होगी। अच्छा ये सब ठीक है, एक चाय पिला दो जल्दी से। चाय? खाने का वक्त है। देखो खाना तो मुझे सीता ने खिला दिया है, तुम चाय पिला दो। अच्छा अभी ले। सूरज और धीरज भी बहुत खुश होंगे आपसे मिलके। मतलब तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई? देखिए ये धनराज के माता पिता हैं। डॉक्टर इसे एग्जाम में नहीं है। प्लीज। उसके हालत कैसे? मैं भी कुछ नहीं कह सकती। आप यहाँ बैठिए। मम्मी भी डॉक्टर घर आएगा तो सब पता चलता है। भगवान सब ठीक करेगा। संभालिए अपने आप को, धनराज को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब धनराज कैसा है? ठीक है, अभी कुछ नहीं कह सकते। गांव बहुत गहरे हैं, ब्रेन इंजरी, सारे रिपोर्ट्स आ जाने दीजिए, उसके बाद ही डिसीजन ले सकते। अभी तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि लेट्स प्रे गॉड। क्या मैं उसे इतना सिर्फ देख सकता हूँ? अभी नहीं, आप लोग मॉर्निंग में आइए। मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मामी इस तरह रोने से सबके बदल थोड़ी जाएंगे। इस तरह रोएंगे तो फिर मामी का क्या हाल है? और हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मैं भी कैसा अभागा हूं, आप जो बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास कभी के लिए कुछ है भी नहीं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा तो वो भी मेरी नहीं सुनेगा। मेरी मेरी किए की सजा बेटे को भुगतनी पड़ रही है। मां ऊपर वाला सब कुछ सुधरने का मौका देगा। आप प्रार्थना कीजिए, वो जरूर सुनेगा। मुझे चिंता है डॉक्टर साहब कहीं ऑपरेशन के लिए न कहें। अरे इस वक्त मेरे जेब में थोड़ी तो। आप कैसे भी चिंता करके मत कीजिए, सब इंतजाम हो जाए। मैं हूं ना मामा, और फिर धनराज सिर्फ आपका बेटा ही नहीं मेरा भाई भी। जो भी खर्चा होगा वो मैं संभालूंगा। आप मामी के पास बैठिए, मैं घर होकर आता हूँ। पद्मा और माँ भी चिंता कर रहे होंगे। और जल्दी जल्दी में मैं कुछ पैसे भी नहीं लाया, पता नहीं किस वक्त किस चीज की जरूरत पड़ जाए। मामी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, धनराज जल्दी ठीक हो जाएगा, हम उसे घर लेकर जाएंगे। मैं अभी आता हूँ।